हेलो जी नमस्ते। कौन? मेरा नाम निशा कुमारी माथुरी हुआ। किससे बात करना है आपको? मैं उल्लू टीवी के एडिटर से बात करना हाँ, चाहती राजीव हूँ। बोलने, बोलिए बोलिए बताइए। सर हमारी एक समस्या है, मैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हूँ जिसके हमारी शादी का अभी 4 साल हुआ। हमारे हस्बैंड बैंक में मैनेजर है, सीनियर मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया, पश्चिम बंगाल में पोस्टेड है वो। जी। और 4 साल की शादी के दरमियान में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जो कि हमारे से पैसे की डिमांड नहीं हुई हो या किसी तरह की मारपीट। हम हस्बैंड के साथ रहते हैं लेकिन ससुराल में जब भी आना जाना होता है वो लोग जरूर मारते हैं। तो पैसे की डिमांड कौन करता है? सास ससुर? सास ससुर भैंसुर सभी सभी का खुशी हम पूरा ही नहीं कर पाते क्योंकि वो डिमांड है 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, इससे नीचे का डिमांड ही नहीं है उन लोगों का। अब कितना दे चुकी हैं आप? अभी तक हम ऐसे तो दिए हैं 25 लाख लेकिन जो बैंक के द्वारा दिए हैं वो लगभग 15 लाख रुपया का सबूत है मेरे पास। अच्छा अच्छा तो हाथ भी उठाते हैं यहाँ पे लोग? हाथ इतना मतलब इतना मारपीट किए कि एक बार एबॉर्शन भी हो गया। इस बार जो मारे हैं तो हमारे कान का पर्दा में छेद हो गया जिसका कि मेडिकल भी है मेरे पास। अच्छा अच्छा तो आप हमसे क्या चाहती हैं बताइए। हमारी मदद करी, हमारे पुलिस हमारी बिल्कुल मदद नहीं करी। हम FIR किए 3 जनवरी को, घटना 1 ही जनवरी को हुआ। प्रशासन को उस दिन बुलाए घर पे तो हमारे से लिखित लेकर गए लेकिन नहीं की। तो 3 तारीख को हम फिर गए। जरा पता पता बताइए थाना का? बजीरगंज थाना। जिला? जिला गया। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। तो वहाँ पे थाना के जो हुए वो उनको हम अपना ये भी दिखाएं बैंक का जो होता है स्टेटमेंट कि देखिए ऐसा ऐसा किए हैं ऐसा इनको। और जो हमारे ससुर पैसा लेते हैं उसका तो यूज होगा, जो इतना पैसा का डिमांड कर रहे हैं। वो अभी रिसेंटली भट्टा लगाए हैं, जमीन लिए हैं अपने नाम पे, वो भी उनको पता है। गाँव से भी वो रिपोर्ट ले सकते हैं लेकिन लेने के बावजूद वजीरगंज थाना के जो दारोगा है वो हमारे ही खिलाफ बोल रहे हैं कि आप एकदम लड़ाकिन महिला है, आपका किसी से नहीं बनता है, आप पैसे के लिए। तो आपके पति, आपके पति आपके साथ हैं या वो भी विरोध करते हैं? नहीं, पति हमारे साथ है। दरोगा को वो बताए सारी बात कि हमारा भी शोषण ये लोग करता है लेकिन फिर भी दरोगा ऐसा काम कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। कई साल हो गए सब सहते आपको? ये मेरी शादी 1 जुलाई 2014 को हुई है, 4.5 साल हुआ है। मेरे दो बच्चे, दोनों बच्चे, एक 2 साल का एक 3 साल का, वो ढंग से खा भी नहीं पाता है। जब मुझे मार रहे थे मेरे बच्चे। आपके मम्मी पापा कहाँ के रहने वाले हैं लोग? मम्मी पापा जमुई जिला, उसके बगल में झाझा पड़ता है उस गांव के। पापा भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो जला के मारने की मुझे धमकी देते थे वो पापा को भी ये धमकी दी है कि पैसा दो नहीं तो जला के बेटी को मार देंगे। और हमारे जो हस्बैंड हुए उसको दूसरी शादी के लिए कम से कम 100 बार उकसाए होंगे, ये बात मेरे हस्बैंड कहीं भी बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, गया जिला है ना। चलिए ठीक है आप परेशान ना हो। और कुछ सर कुछ हमारी मदद करिए, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। मेरे पास दो उपाय है, या मुझे न्याय दिलवाइए या फिर हम धरती छोड़ देंगे। नहीं नहीं, आप हिम्मत मत हारिए और जरूर आप जब प्रशासन नहीं न्याय करेगी सर तो हम किसके दरवाजे पे न्याय के लिए जाएंगे? निश्चिंत रहिए, ये देश मदद करेगा, उल्लू टीवी मदद करेगा, हम लोग मदद करेंगे, निश्चिंत रहिए। जरूरत पड़ी तो हम लोग आपके गया आएंगे। ठीक है, हमारा जितना भी है सर हम एविडेंस भी दिखा सकते हैं कि ये लोग गलत करते हैं। ठीक ठीक जरूर जरूर ठीक, निश्चिंत रहें ठीक।